हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सत्येन बोस सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। सत्येन बोस ने 1954 में आई मूवी परिचय से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में अभी भट्टाचार्य, शशिकला और सज्जन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1955 में सत्येन बोस की मूवी आई जागृति। इस मूवी के लीड कास्ट में अभी भट्टाचार्य, राजकुमार गुप्ता, मुमताज बेगम, नंदा और विपिन गुप्ता शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 70 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 35 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल सत्येन बोस की मूवी आई बंदिश। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, मीना कुमारी, विपिन गुप्ता और नासिर हुसैन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1957 में सत्येन बोस की मूवी आई बंदी। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, बीना रॉय, नंदा, किशोर कुमार और कन्हैया लाल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। 1958 में सत्येन बोस की मूवी आई चलती का नाम गाड़ी। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, किशोर कुमार, मधुबाला, बीना और केएन सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 55 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल सत्येन बोस की मूवी आई सवेरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, मीना कुमारी, लीला मिश्रा और विपिन गुप्ता शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल सत्येन बोस की सातवीं मूवी आई सितारों से आगे। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, वैजयंती माला, शम्मी, लीला मिश्रा और जॉनी वॉल्कर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1960 में सत्येन बोस की मूवी आई गर्लफ्रेंड। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, वहीदा रहमान, लीला मिश्रा, नासिर हुसैन और विपिन गुप्ता शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल सत्येन बोस की एक और मूवी आई मासूम। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, तरुष ईरानी, अनुभा गुप्ता और चमनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1964 में सत्येन बोस की मूवी आई दाल में काला। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, निम्मी, अभी भट्टाचार्य, मुमताज बेगम, शम्मी और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। इसी साल सत्येन बोस की मूवी आई दोस्ती। इस मूवी के लीड कास्ट में सुधीर कुमार, संजय खान, लीला मिश्रा और सुशील कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1966 में सत्येन बोस की मूवी आई मेरे लाल। इस मूवी के लीड कास्ट में देव कुमार, इंद्राणी मुखर्जी और माला सिन्हा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल सत्येन बोस की मूवी आई आसरा। इस मूवी के लीड कास्ट में माला सिन्हा, बलराज सैनी, रूपा रॉय, अमिता और जगदीप शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1967 में सत्येन बोस की मूवी आई रात और दिन। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रदीप कुमार, नरगिस, रोज खान, केएन सिंह और अनवर हुसैन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1969 में सत्येन बोस की मूवी आई आंसू बन गए फूल। इस मूवी के लीड कास्ट में देव मुखर्जी, अलका, निरूपा रॉय, अशोक कुमार, हेलन और प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल सत्येन बोस की मूवी आई वापस। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय बेरकर, सत्यजीत पुरी, अलका और लीला मिश्रा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1970 में सत्येन बोस की मूवी आई जीवन मृत्यु। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, राखी गुलजार, कन्हैया लाल, विपिन गुप्ता, राजेंद्र नाथ और अजीत शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1972 में सत्येन बोस की मूवी आई अनोखी पहचान। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय खान, राखी, सिमी गरेवाल, निरूपा रॉय और जगदीप शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सत्येन बोस की एक और मूवी आई मेरे भैया। इस मूवी के लीड कास्ट में विजय अरोरा, नाजिमा, अनीता दत्त, दुर्गा कोटे और तरुण घोष शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। इसी साल सत्येन बोस की 20वीं मूवी आई सारे गामा पा
इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, सत्यन बोस, अलका और रूपेश सिंह शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1973 में सत्यन बोस की मूवी आई ज्योति जले। इस मूवी के लीड कास्ट में तरुण बोस, मुमताज, अभि भट्टाचार्य, तारा सिंह और असित सेन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमीट रही। 1977 में सत्यन बोस की मूवी आई मस्ताना दादा। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, संजय खान, परवीन बॉबी, बिंदु, अनीता गोवा, देव कुमार और रंजीत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1978 में सत्यन बोस की मूवी आई अनमोल तस्वीर। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, प्रीति गांगुली, अनूप कुमार और बीरबल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1979 में सत्यन बोस की मूवी आई सांच को आँच नहीं। इस मूवी के लीड कास्ट में अरुण गोविल, मधु कपूर, बीरबल, ओम शिवपुरी और ओम पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1980 में सत्यन बोस की मूवी आई बिन माँ के बच्चे। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीराम लागू, बिंदु, तनुजा, दुलारी, विशाल देसाई और राजू देसाई शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सत्यन बोस की मूवी आई पायल की झनकार। इस मूवी के लीड कास्ट में सुरेंद्र कौर, बीना रूपानी और शैल चतुर्वेदी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1982 में सत्यन बोस की मूवी आई तुम्हारे बिना। इस मूवी के लीड कास्ट में सुरेश ओबेरॉय, शिल्पा कपाड़िया, दीना पाठक, शोभा कोटे और राजेंद्र नाथ शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1987 में सत्यन बोस की मूवी आई वह दिन आएगा। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, दिव्या राणा, अशोक कुमार, अभि भट्टाचार्य और मधु मल्होत्रा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की सत्यन बोस सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सत्यन बोस सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज दोस्तों थैंक यू।